आईजी एसएसपी जोगेंद्र कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को गोरखनाथ मंदिर स्थित हिंदू सेवा आश्रम में बुढ़वा मंगल को खिचड़ी चढ़ाने और मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया गया। आपको बता दें कि इस बुढ़वा मंगल को 26 जनवरी पर गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। मकर संक्रांति के बाद बुढ़वा मंगल पर ही गोरखनाथ मंदिर में सबसे ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। गौरतलब है कि धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जितना महत्व मकर संक्रांति को गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने का है, उतना ही बुढ़वा मंगल को भी है। हिंदू सेवा आश्रम में पुलिस ब्रीफिंग के दौरान एसपी सिटी सोनम कुमार, आईपीएस शशांक सिंह, एसपी क्राइम महेंद्रपाल सिंह, एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला, सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह, सीओ कोतवाली बीपी सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीआईजी एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने कहा, इसकी दुनिया आज सही शुरू हो जाए। खिचड़ी मेले में जो व्यवस्था की गई थी उसमें कुछ विस्तार ही किया गया है। पॉइंट्स पर जहाँ तक जयपुर की बात मौजूद थी, ऑटो काफ़ी संख्या में अंदर आ रहे थे, गलियों से घूम रहे थे, तो उन गलियों में छोटी छोटी गलियाँ हैं वहाँ भी दूसरी सेवा लगाई गई है। बियाती लोगों को खाली रखना है, छोटे से छुट्टी दे रही है, क्योंकि मंदिर से लेकर के और किनारे किनारे जहाँ पर श्रद्धालुओं को लाइन लगाना होता है वहाँ पर किसी तरह से बाधित नहीं होगा। एक दो कमियाँ पूरी बात आपको नजर आएगी, पूरी बात बढ़ाया गया है, लोगों को बढ़ाया गया है, और इसी तरह से जो मंदिर के पीछे साइड से तमाम श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनको आने में कोई दिक्कत ना हो, जहाँ से जिन पॉइंटों से जिन गाँवों का डायवर्जन है वहाँ से वो डायवर्जन प्रभावित तरीके से ला सकें। इसके बाद शाम तक कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं होगी। और बाहर वाली रोड की दुनिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस जगह ट्रैफिक की पार्किंग है, गाड़ियों की पार्किंग है, ट्रैफिक का कोई गाड़ी हमें नजर नहीं आनी चाहिए इस साइड में जो मंदिर की ओर है और प्रणति रमेश वैसे ही टीम बनेगी इस बार, क्योंकि लगेगी जूते चप्पल अंदर नहीं आएंगे, वो वहाँ उतार के ही आएंगे। पिछली बार जैसे आए थे सुबह से लाइन लगती होगी, लेकिन 7-8 बजे से काफ़ी भीड़ हो जाती है, 9 बजे आते आते अगर दिन ये गोरखनाथ मंदिर एरिया में मेला चल रहा है, मकर संक्रांति से ही चल रहा है। कल जो इम्पोर्टेंट त्यौहार है हमारा यहाँ पे बड़ा मंगल और बुढ़वा मंगल, उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने ब्रीफिंग की है सभी अधिकारियों की, और सुसख्त ड्यूटी रहे और पर्याप्त ड्यूटी रहे इसके लिए ब्रीफिंग की है। CO LIU भी रहेंगे, LIU की ड्यूटियाँ भी रहेगी, सादे वस्त्रों में रहेगी और पुलिस फोर्स भी रहेगी। ट्रैफिक को लेकर डायवर्जन हम लोगों ने चालू कर दिया है, इसकी हमने विस्तृत इसको प्रचार प्रसार के लिए मीडिया के माध्यम से भी ट्रैफिक डायवर्जन के बारे में बताया गया है। कल इस एरिया में ट्रैफिक डाइवर्टेड रहेगा, उसका डायवर्जन का पूरा प्लान बनाया गया है और वो प्लान जो है मीडिया के माध्यम से पब्लिक तक पहुंचाया जा चुका है। सर, मेले में महिलाओं की काफ़ी भीड़ होती है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने महिला हेल्प डेस्क बना रखी है, एक एंटी चैन स्नेचिंग टास्क फोर्स भी बना रखी है जो यहाँ पर कंटिन्यूस घूम रही है, और इस तरीके की कोई घटना पिछले बार नहीं हुई किसी तरीके की, अभी तक मेले में इस तरीके की घटना नहीं हुई है और आगे भी न होने दें, ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने की है।